उत्तरकाशी में 41 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। इसी बीच उत्तराखंड के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि आगर मशीनों से ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई थी। 45 मीटर से आगे की ड्रिलिंग के बाद धातु के टुकड़े के मशीन में फंसने से ड्रिलिंग में बाधा सामने आई थी। देर रात श्रमिक प्रदीप यादव एवं बलविंदर द्वारा पाइप के मुहाने पर फंसे धातु के टुकड़ों को पाइप के अंदर रेंग कर काट दिया गया। उन्होंने बताया कि आगे का कार्य भी पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है। पुनः ऑगर मशीन से स्थापित कर ड्रिलिंग शुरू करते हुए 1.8 मीटर अतिरिक्त ड्रिलिंग की गई। आगे की ड्रिलिंग के लिए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने कहा, पूरी सावधानी बरतते हुए तेजी से ड्रिलिंग करना हमारी प्राथमिकता है। एक छोटा हर्डल आ गया था, जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहां पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहां पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं, कि यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसके आगे क्या किया जाए। तो पूरा का पूरा गर्डल का उसको काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि 40 मीटर तक जा चुका है। हर एक पार्ट को निकाला जाता है, 6 मीटर का पुर्जा, वो 6 मीटर का पुर्जा डिटैच किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट पीछे किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है 6 मीटर का। तो जितना आगे जा चुके हैं उतना इसीलिए उसको डिटैच करने में, सारा का सारा डिसअसेंबल करने में टाइम लगा। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह NDRF की टीम भी है, SDRF की टीम भी है, तो NDRF के एक्सपर्ट थे कपिल, वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया, वो दिखाया, फिर कोशिश की गई, तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए 2-3 टीम के द्वारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जा कर के 40 मीटर से ज़्यादा, 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जा कर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए, गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है। तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए, उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, एक प्रवीण और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल, आप ये सोचिए, 2 घंटे अंदर रह करके, उनके साथ पूरी NDRF की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी, वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया NDRF की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनके आपके फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो सारा का सारा अवरोध एक उत्पन्न हुआ, जो हर्डल आया, लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी। आप लोगों ने जैसे देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय मंत्री, भारत सरकार जनरल सर भी आए, उन सब ने भी पूरी टीम की हौसला अफजाई की कि भैया आप लगे रहिए, और सचिव हमारे भारत सरकार के वो भी आए हैं, तो काफ़ी हमारा पूरा की पूरी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए ऊपर से पूरा सपोर्ट मिला। तो उस टीम ने आखिर में वो सारा का सारा काटने के बाद वो रबल निकाला, कई क्विंटल टाइप से अंदर से पूरा वो काटा उन्होंने, और उस काटने में आप सोच सकते हैं एक बार में 2-2.5 घंटे लगे। फिर दोबारे वो बंदा गया, उसने और उसके अंदर छेद किया जो पाइप भेजा हुआ है, आप लोग फोटो और वीडियो देखेंगे, आई थिंक आप लोग उसके बाद अप्रिशिएट ज़्यादा कर पाएंगे जो बताया जा रहा है। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया, फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई ओगर मशीन की, वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारे भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हर्डल जैसे उनको अभी लग रहा है, तो इसलिए कोई पुश ना करके दे आर अगेन चेकिंग,
तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक